हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्लास में कुछ बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले है चेन स्टिच। चेन स्टिच के लिए पहले हमने नीडल को फैब्रिक के नीचे से ऊपर की तरफ निकालना है। देन हमें नीडल को उसी जगह इंसर्ट करना है और अबाउट 1/4 इंचेस नीडल को आगे से आधा निकाल कर थ्रेड का लूप बनाकर नीडल को उसमें से पास करना है। देन अगेन दूसरा लूप बनाने के लिए नीडल को पुराने स्टिच में इंसर्ट करके फिर थोड़ा आगे लूप बनाकर नीडल निकालनी है और इसी तरह से प्रोसेस को एंड तक रिपीट करते जाना है। After chain stitch, next is stem stitch. Stem stitch के लिए पहले हमें needle को आगे की तरफ से पीछे को insert करके बाहर निकालना है। Then फिर से needle को previous stitch से थोड़ा आगे insert करते हुए जहां पुराना stitch खत्म होता है वहां से बाहर निकालना है। और ये stitch embroidery में commonly flowers की stem बनाने में use की जाती है। नेक्स्ट है बैक स्टिच। जिस तरह से स्टेम स्टिच आगे की तरफ से इंसर्ट की जाती है वैसे ही बैक स्टिच में नीडल पीछे से इंसर्ट करके आगे से स्टिच लिया जाता है। ये स्टिच बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिच होता है और इसे स्टिचिंग में भी गारमेंट स्टिच करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच ओवरलॉक स्टिच की तरह होती है जिसको गारमेंट के एजेस को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम डायगनली नीडल को इंसर्ट करके स्ट्रेट में स्टिच लेते हैं और ध्यान रखना है कि नीडल को लूप में से ही गुजारना है। एंड में पीछे की तरफ नॉट लगाकर थ्रेड को सिक्योर कर लेना है। नेक्स्ट है फेदर स्टिच। फेदर स्टिच करने के लिए पहले हम सेंटर वाली लाइन से नीडल को बाहर निकाल लेंगे। देन उसके ऑपोजिट वाली लाइन से नीडल को इंसर्ट करते हुए हम सेंटर वाली लाइन से थ्रेड का लूप बनाते हुए नीडल को बाहर निकालेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टिच, नेक्स्ट स्टिच के लिए हम फर्स्ट लाइन से नीडल को इंसर्ट करते हुए सेंटर लाइन से लूप फॉर्म करते हुए बाहर निकालेंगे और इसी प्रोसेस को ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच है हेरिंग बॉन स्टिच। इस स्टिच को करने के लिए हमें दो लाइंस बनानी है। देन हमें नीचे वाली लाइन से नीडल को बाहर निकालने के बाद डायगनली नीडल को इंसर्ट करते हुए अबाउट 1/4 इंचेस लेफ्ट साइड से नीडल को बाहर निकालना है। आफ्टर दैट सेम प्रोसेस नीचे वाली लाइन पर फॉलो करेंगे और इस प्रोसेस को टर्न बाय टर्न दोनों लाइंस पर फॉलो करते जाएंगे।
नेक्स्ट है क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच के लिए भी हमें दो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, देन नीडल को सेकंड लाइन से बाहर निकालते हुए डायगनली उसे फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट में इंसर्ट करके स्टिच बनाएंगे। देन अगेन नीडल को सेकंड लाइन से क्रॉस करेंगे और स्ट्रेट फर्स्ट लाइन से बाहर निकाल लेंगे। देन रिपीट द प्रोसेस टिल द एंड। नेक्स्ट है काउचिंग। काउचिंग करने के लिए पहले हम थ्रेड को अपने मोटिव के अकॉर्डिंग स्प्रेड करेंगे। आप इस थ्रेड को ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हो ताकि ये खिसके नहीं। एंड देन नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से हम इस स्प्रेडेड थ्रेड को टक करते जाएंगे। काउचिंग में मेनली मोटे थ्रेड्स, सिल्क के थ्रेड्स और मेटल वायर्स को टक करने के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर काउचिंग नेक्स्ट है साटन स्टिच। साटन स्टिच को फिलिंग स्टिच भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मोटिफ और डिजाइन कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जो कि फ्लावर्स और लीव्स बनाने में कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए हमें नीडल पर 3 से 4 लूप्स लपेटने होते हैं एंड देन उन लूप्स को फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर सिक्योर कर देना होता है। नेक्स्ट है बुलियन नॉट। फ्रेंच नॉट एंड बुलियन नॉट दोनों को करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस बुलियन नॉट में अबाउट 8 to 10 लूप्स नीडल पर लपेटे जाते हैं। आफ्टर बुलियन नॉट है लेजी डेजी। लेजी डेजी मोस्टली फ्लावर्स बनाने के लिए यूज होती है। इसको करने के लिए पहले हमें सेंटर में एक डॉट लगाना है एंड देन उस डॉट की हेल्प से हम इसके इर्द गिर्द फ्लावर्स की पेटल्स फॉर्म करेंगे। एंड लास्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। ये स्टिच भी ऑलमोस्ट फिलिंग स्टिच की तरह ही होता है, बस इसमें फर्स्ट स्टिच लॉन्ग लिया जाता है, देन शॉर्ट, फिर उसके बाद फिर लॉन्ग और ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होते जाता है।
सो आफ्टर बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस हम पैचवर्क के बारे में जानेंगे, उसकी टाइप्स और टूल्स एंड मटेरियल्स को पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी पैचवर्क को करके देखेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। पैचवर्क एक नीडल वर्क की ही फॉर्म है जिसमें फैब्रिक पीसेस को एक साथ स्टिच करके एक लार्ज डिज़ाइन बनाया जाता है। नेक्स्ट, पैचवर्क एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग कलर्स, टेक्सचर्स और पैटर्न्स के फैब्रिक पीसेस को आपस में जोड़ा जाता है टू क्रिएट इंट्रिकेट डिज़ाइंस। एंड पुराने टाइम में पैचवर्क एक बचे कुचे फैब्रिक के पीसेस को यूटिलाइज करने का तरीका हुआ करता था, जो आज एक फॉर्म ऑफ आर्ट बन गया है। नेक्स्ट है टूल्स एंड मटेरियल्स, कि हमें पैचवर्क करने के लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है फैब्रिक, जो कि मेन पार्ट है। इसमें हम अलग अलग लेफ्ट ओवर फैब्रिक पीसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। देन है नीडल्स, जो कि हैंड स्विंग पैचवर्क में ज़रूरी होती हैं। देन थ्रेड, और फिर है कटिंग टूल्स, जिसमें है रोटरी कटर, सीजर्स और कटिंग मैट। आफ्टर कटिंग टूल्स हैं रूलर, जो कि मेजरमेंट्स मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन पिन्स एंड क्लिप्स, ताकि स्टिचिंग से पहले फैब्रिक पीसेस को ईजिली आपस में होल्ड किया जा सके। देन है आयरन एंड आयरनिंग बोर्ड, सीम्स को सेट और फैब्रिक को फ्लैटन करने के लिए। उसके बाद है स्विंग मशीन, एंड लास्ट है टेम्पलेट्स, जो कि एक स्लोपर होता है मेड फ्रॉम प्लास्टिक और कार्डबोर्ड, जिसको फैब्रिक पर प्लेस करके हम पैचवर्क की कितनी भी शेप्स इजीली कट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स की हेल्प से कटिंग एंड स्विंग इजी हो जाती है, क्योंकि सिंपली इसे हमें फैब्रिक पर रखना होता है, देन सीजर से कट कर देना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैचवर्क। मेनली पैचवर्क दो तरह से किया जाता है। फर्स्ट है वन शेप पैचवर्क, जिसमें एक ही शेप पूरे डिज़ाइन में यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल हेक्सागन पैचवर्क, जो कि हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न क्रिएट करता है, एंड स्क्वायर पैचवर्क, जिसमें स्क्वायर शेप के पैचेस यूज़ किए जाते हैं। एंड दीज आर द इमेजेस ऑफ वन शेप पैचवर्क। फर्स्ट है हेक्सागन पैचवर्क, जिसमें हेक्सागन शेप के पैचेस को आपस में स्टिच किया गया है। देन है स्क्वायर पैचवर्क, जो कि ग्रिड की तरह शो होता है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पैचवर्क इज ब्लॉक यूनिट पैचवर्क। इस पैचवर्क में हम डिफरेंट शेप्स ऑफ फैब्रिक को कट करके आपस में स्टिच कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक लॉग कैबिन। इस डिज़ाइन में फैब्रिक की स्ट्रिप्स को सेंटर में एक स्क्वायर के इर्द गिर्द स्टिच किया जाता है, जो कि एक स्पायरल और रेडिएटिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है नाइन पैच। इसमें नाइन स्मॉलर स्क्वायर्स को 3x3 के ग्रिड में स्टिच किया जाता है। एंड दी लास्ट वन इज स्टार ब्लॉक, जिसमें ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स को स्टार की शेप में फॉर्म करके स्टिच किया जाता है, और ये ट्रेडिशनल क्विल्ट्स पर देखने को मिलता है। एंड दीज आर द इमेजेस ऑफ ब्लॉक यूनिट पैचवर्क डिज़ाइंस। फर्स्ट है लॉग कैबिन पैचवर्क, जिसमें सेंटर में स्क्वायर है, उसके आसपास अलग अलग फैब्रिक की स्ट्रिप्स को स्टिच किया गया है। देन है नाइन पैच पैचवर्क, जिसमें 3x3 के ग्रिड में स्क्वायर्स को स्टिच किया है। एंड लास्ट में स्टार ब्लॉक पैचवर्क, जो कि स्टार की शेप में विजिबल होता है। एंड नाउ विल सी हाउ टू डू पैचवर्क। सो जैसे कि आप जानते हो कि पैचवर्क दो तरीके से किया जाता है, एक है वन शेप पैचवर्क एंड दूसरा ब्लॉक यूनिट पैचवर्क। तो सबसे पहले हम वन शेप पैचवर्क करेंगे। वन शेप पैचवर्क के लिए हम टू डिफरेंट कलर और टेक्सचर के 8-8 फैब्रिक पीसेज लेंगे, जिनकी लेंथ एंड विड्थ अबाउट 3 inches होनी चाहिए। देन इन दोनों कलर और टेक्सचर के फैब्रिक पीसेज को हम एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेस करके स्टिच लगाएंगे। ऐसे फर्स्ट अगर प्रिंटेड फैब्रिक है, उसके साथ प्लेन होगा, देन फिर प्रिंटेड और फिर प्लेन, और प्लेन के नीचे प्रिंटेड और प्रिंटेड के नीचे प्लेन। सो नेक्स्ट है ब्लॉक यूनिट पैचवर्क। इसके लिए हम 3 कलर और टेक्सचर के फैब्रिक पीसेस लेंगे। प्रिंटेड फैब्रिक के हम 8 पीसेस कट करेंगे, देन वाइट फैब्रिक के 8 एंड प्लेन फैब्रिक के भी 8। आफ्टर दैट पहले हम प्लेन एंड वाइट दोनों फैब्रिक के 8 के 8 पीसेस को डायगनली बीच में से कट कर देंगे। आफ्टर दैट प्रिंटेड फैब्रिक के 4 पीसेस डायगनली कट कर लेंगे। तो अब हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक के 4 पीस कट हैं और प्लेन एंड वाइट फैब्रिक के 8,
और लास्ट में 4 पीस प्रिंटेड फैब्रिक के विदाउट कटिंग। देन इन सभी फैब्रिक पीसेस को हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्लेस करके स्टिच कर देंगे। आप अगर देखोगे इसमें स्टार और फ्लावर की शेप बनती है, जिसकी वजह से इसे स्टार शेप पैचवर्क बोला जाता है। सो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है अप्लीक वर्क, जिसमें हम जानेंगे कि अप्लीक वर्क क्या होता है, उसको करने के लिए क्या क्या टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं और अप्लीक को करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। लास्ट में हम प्रैक्टिकली भी अप्लीक वर्क को करके देखेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अप्लीक एक डेकोरेटिव स्विंग टेक्निक है, जिसमें फैब्रिक पीसेस को फैब्रिक के लार्ज सरफेस पर स्टिच किया जाता है टू क्रिएट डिज़ाइंस। इस मेथड से गारमेंट्स, क्विल्ट्स और अदर टेक्सटाइल आइटम्स में टेक्सचर, कलर और डायमेंशन ऐड होती है। एंड ये एक वर्सेटाइल टेक्निक है जो कि फैशन, क्विल्टिंग और टेक्सटाइल आर्ट में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है टूल्स एंड मटेरियल्स। तो सबसे पहले है फैब्रिक्स। अप्लीक वर्क करने के लिए हमें 2 फैब्रिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से एक बेस फैब्रिक होता है जो कि मेन फैब्रिक है, मींस जिसके ऊपर अप्लीक वर्क किया जाएगा। एंड दूसरा है अप्लीक फैब्रिक, जो कि फैब्रिक के पीसेज होते हैं यूज टू क्रिएट द डिज़ाइन। नेक्स्ट है कटिंग टूल्स, जिसमें सीजर्स और रोटरी कटर रिक्वायर्ड होते हैं। देन है स्विंग टूल्स, जिसमें हमें नीडल्स, स्विंग मशीन, पिंस और बास्टिंग ग्लू, जो कि अप्लीक पीसेस को अपनी जगह होल्ड करने में हेल्प करती है, और थिम्बल रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है मार्किंग टूल्स, जिसमें है फैब्रिक मार्कर्स एंड चॉक। देन है टेम्पलेट्स, जो कि पेपर और प्लास्टिक के बने होते हैं, यूज्ड फॉर ट्रेसिंग अप्लीक शेप्स। देन फ्यूजिबल वेब, जो कि अप्लीक पीसेस को टेम्पररी बेस फैब्रिक पर स्टिक करने के काम आती है। एंड लास्ट है स्टेबलाइजर, जो कि बेस फैब्रिक को एक तरह का सपोर्ट देता है ताकि वो स्टिचिंग से पहले खिसके नहीं, मींस वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट है मेकिंग टेम्पलेट्स, मींस टेम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट है डिज़ाइन सिलेक्शन, जिसमें हमें कोई भी डिज़ायर्ड डिज़ाइन चूज करना होता है फॉर योर अप्लीक। देन आफ्टर डिज़ाइन सिलेक्शन हमें टेम्पलेट को क्रिएट करना है, जिसके लिए सिलेक्टेड डिज़ाइन को प्लास्टिक और पेपर पर ट्रेस कर लेना है। देन उस ट्रेस्ड शेप को केयरफुली कट कर लेना है। एंड अगर हम प्लास्टिक पर टेम्पलेट्स कट करते हैं, देन उन्हें हम इजीली मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप है ट्रांसफरिंग द डिज़ाइन, जिसके लिए हमें टेम्पलेट को अप्लीक फैब्रिक पर रखकर ट्रेस करना है, देन फैब्रिक मार्कर और चौक की हेल्प से ट्रेस कर लेना है। आफ्टर ट्रेसिंग हमें उस पैटर्न और डिज़ाइन को कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सीजर्स और रोटरी कटर, और हमें कटिंग करते वक्त 1/4 इंच का सीम अलाउंस छोड़कर अप्लीक फैब्रिक कट करना है। नेक्स्ट, दीज आर 4 कॉमन मेथड्स ऑफ स्विंग अप्लीक। फर्स्ट है हैंड अप्लीक, देन मशीन अप्लीक, फ्यूजिंग अप्लीक एंड लास्ट रिवर्स अप्लीक। तो सबसे पहले है हैंड अप्लीक, जो कि 4 तरीकों से हाथ से की जाने वाला अप्लीक वर्क है। फर्स्ट है टर्न्ड एज अप्लीक, जिसमें अप्लीक फैब्रिक के एजेस को बेस फैब्रिक पर टर्न करके इनविजिबल स्लिप स्टिच लगाई जाती है। नेक्स्ट है नीडल टर्न अप्लीक, जो कि टर्न्ड एज अप्लीक की ही एक वेरिएशन है, जहां एजेस को नीडल की हेल्प से टर्न करके स्यू किया जाता है रादर देन उसे प्रेस करने से। नेक्स्ट है रिवर्स अप्लीक, जिसमें टॉप लेयर ऑफ फैब्रिक को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कट करके दूसरे फैब्रिक को उसके नीचे प्लेस करके स्टिच किया जाता है। एंड लास्ट है रॉ एज अप्लीक, जिसमें डायरेक्टली अप्लीक के एजेस बिना मोड़े बेस फैब्रिक पर रनिंग स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच का यूज करके स्टिच किया जाता है। एंड दीज आर द इमेजेस ऑफ हैंड अप्लीक, जिसमें फर्स्ट है टर्न्ड एज अप्लीक, जहाँ अप्लीक फैब्रिक के एजेस को टर्न करके नीडल से स्यू किया गया है। देन नीचे है नीडल टर्न अप्लीक, रिवर्स अप्लीक एंड लास्ट रॉ एज अप्लीक। आफ्टर हैंड अप्लीक नेक्स्ट है मशीन अप्लीक, जो कि 3 तरीकों से की जाती है। फर्स्ट है स्ट्रेट स्टिच, जिसमें अप्लीक पीसेस को बेस फैब्रिक पर स्टिच करने के लिए मशीन की स्ट्रेट स्टिच का यूज होता है। देन है जिगजैग और साटन स्टिच एंड लास्ट रॉ एज मशीन अप्लीक, जिसमें अप्लीक के एजेस को बिना मोड़े बेस फैब्रिक पर मशीन से स्टिच किया जाता है।
एंड दीज आर दी इमेजेस ऑफ मशीन अप्लीक, फर्स्ट है स्ट्रेट स्टिच अप्लीक जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है, देन है जिगजैग अप्लीक एंड लास्ट रॉ एज मशीन अप्लीक। आफ्टर मशीन अप्लीक नेक्स्ट है फ्यूजिंग अप्लीक, जिसको करने के लिए फ्यूजिबल वेब और शीट को अप्लीक के पीसेस के नीचे आयन किया जाता है, देन उन फ्यूज्ड अप्लीक पीसेस को बेस फैब्रिक के ऊपर प्लेस करके अगेन आयरन किया जाता है, देन उन्हें यूजिंग स्ट्रेट जिगजैग और डेकोरेटिव स्टिच से स्टिच कर दिया जाता है। फ्यूजिंग की हेल्प से अप्लीक फैब्रिक स्टिचिंग से पहले बिल्कुल भी खिसकता नहीं है बल्कि स्टिचिंग को बहुत ही ईजी बना देता है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्यूजिंग अप्लीक, जिसमें ऊपर पहले फ्यूजिंग वेब को अप्लीक फैब्रिक पर प्लेस करके आयन किया, देन उसे कट करके मेन बेस फैब्रिक पर प्लेस करके स्टिच कर दिया। एंड लास्ट है रिवर्स अप्लीक, जिसमें फैब्रिक की लेयर्स होती हैं, मींस एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखा जाता है, देन टॉप फैब्रिक की डिजायर्ड शेप कट करके बॉटम लेयर ऑफ फैब्रिक को उस कट में से रिवील किया जाता है। इस अप्लीक को हम बाय हैंड स्टिच भी कर सकते हैं और बाय मशीन स्टिचिंग भी। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ रिवर्स अप्लीक, जिसमें फैब्रिक की तीन लेयर्स रिवील हो रही हैं। फर्स्ट है टॉप फैब्रिक, देन उसके नीचे रेड कलर फैब्रिक एंड देन येलो स्ट्राइप्स वाला फैब्रिक। एंड नाउ वील सी हाउ टू डू अप्लीक वर्क। अप्लीक वर्क के लिए हमें दो फैब्रिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक बेस फैब्रिक एंड एक अप्लीक फैब्रिक। तो पहले हमने बेस फैब्रिक लेना है, देन अप्लीक फैब्रिक को अपनी रिक्वायर्ड शेप के अकॉर्डिंग कट करके उसे बेस फैब्रिक पर प्लेस कर देना है, देन उसे स्ट्रेट और जिगजैग स्टिच का यूज करके स्टिच कर देना है। आज नीडल क्राफ्ट की लास्ट क्लास में हम ओपन वर्क के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकली इसे करके देखेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ओपन वर्क एम्ब्रॉयडरी नीडल वर्क का ही एक स्टाइल है, जिसमें जानबूझकर गैप्स और होल्स क्रिएट करके पैटर्न्स रेडी किए जाते हैं। इस टेक्निक से फैब्रिक में एक लेस लाइक इफेक्ट आता है, जो कि गारमेंट और फैब्रिक को एक डेलिकेट और एयरी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इसे डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड ये एम्ब्रॉयडरी अपनी एलिगेंस के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ओपन वर्क। ओपन वर्क एम्ब्रॉयडरी करने के दो तरीके हैं, फर्स्ट है कट वर्क एंड सेकंड ड्रॉन थ्रेड वर्क। इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ करके हम फैब्रिक में ओपन स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं एंड ये दोनों फॉर्म्स यूनिक हैं और इनकी अपनी जगह पर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम कटवर्क के बारे में जानेंगे। ये एक टेक्निक है जहां फैब्रिक के पार्ट्स को कट करके उसके रो एजेस को एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस का यूज़ करके फिनिश किया जाता है, ताकि उसे फ्रेंग से बचाया जा सके। इस मेथड से ओपन स्पेसेस और होल्स फैब्रिक में क्रिएट किए जाते हैं, जो कि डेकोरेटिव पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। कटवर्क करने के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्रिपेयर द फैब्रिक, जिस पर कटवर्क करना है, देन डिज़ाइन एंड मार्क, उसके बाद मार्किंग एरियाज पर एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस करने हैं, देन हमें पैटर्न्स या होल्स को कट कर लेना है और लास्ट में उनके एजेस को फिनिश करना है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ कटवर्क। नेक्स्ट है ड्रॉन थ्रेड वर्क। इस ओपन वर्क की टेक्निक में पहले फैब्रिक में से थ्रेड्स को रिमूव किया जाता है, जिससे एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। देन आफ्टर रिमूविंग थ्रेड्स, रिमेनिंग थ्रेड्स को एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस का यूज़ करके ग्रुप और बंडल्ड किया जाता है, मींस आपस में स्टिच करके पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। ड्रॉन थ्रेड वर्क की दो कॉमन टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है हेम स्टिचिंग, जिसमें गारमेंट के हेम एरियाज पर मशीन स्टिचिंग होती है। सेकंड है नीडल वीविंग, जिसमें नीडल की हेल्प से थ्रेड वर्क वीव किया जाता है। इसको करने के स्टेप्स हैं, फर्स्ट मार्क एंड प्रिपेयर द फैब्रिक, देन थ्रेड्स को रिमूव करना है एंड लास्ट एम्ब्रॉयडरी और थ्रेड्स का यूज करके स्टिच और वीव करना है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ड्रॉन थ्रेड वर्क। एंड नाउ वील सी हाउ टू डू ओपन वर्क। जैसे कि हम जानते हैं कि ओपन वर्क करने के दो तरीके हैं, कटवर्क एंड ड्रॉन थ्रेड वर्क। तो पहले हम कटवर्क करेंगे। कटवर्क करने के लिए पहले हम फैब्रिक पर कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे,
देन उस पैटर्न पर चेन स्टिच करना है। हम चाहे तो बैक स्टिच भी कर सकते हैं। चेन स्टिच करने के बाद हम सेंटर में से सीम रिपर और सीजर्स का यूज करके फैब्रिक को कट करेंगे। आफ्टर कटिंग उन रो एजेस को रोलिंग स्टिच और बटन होल स्टिच का यूज करके फिनिश कर लेंगे। बेसिकली कटवर्क के लिए हम फैब्रिक से सेम कलर का थ्रेड यूज करते हैं, जिससे कि फैब्रिक में एक अट्रैक्टिव लुक आता है। मैंने यहाँ ब्लैक कलर का थ्रेड इसलिए यूज किया है ताकि आपको स्टिचेस इजीली विजिबल हों। नेक्स्ट विल डू ड्रॉन थ्रेड वर्क, जिसके लिए पहले हम फैब्रिक के थ्रेड्स को कट करेंगे। आप चाहे तो वॉप और वेफ थ्रेड्स में से कोई भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टली वेफ थ्रेड्स कट किए हैं। आफ्टर कटिंग हम उन थ्रेड्स को वर्टिकल थ्रेड्स में से निकालते जाएंगे। सेम प्रोसेस हम एंड तक रिपीट करेंगे और जहां तक हमें थ्रेड वर्क चाहिए वहां पर भी हम कटिंग करके सभी वेफ्ट थ्रेड्स को बाहर निकाल लेंगे। आफ्टर दैट सभी वेफ्ट थ्रेड्स रिमूव करने के बाद हम दोनों एंड्स पर रोलिंग और बटन होल स्टिच कर देंगे ताकि फैब्रिक और आगे रेवल ना हो, मीन सिक्योर हो जाए। एट लास्ट हमें अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग थ्रेड्स को आपस में टक करते जाना है। आप चाहे तो 4-4 थ्रेड्स का पेयर बना सकते हो या अपने अकॉर्डिंग भी पेयरिंग कर सकते हैं।